मंडियों में सरसों दाने की आवक 7 लाख बोरी से घटकर सिर्फ अब 6.5 लाख बोरी के करीब रह गई है। सूत्रों के अनुसार सरसों तेल और सरसों रिफाइंड की खपत बहुत बढ़ रही है। पिछले 30 से 40 वर्षों में ऐसा पहली बार है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में सरसों तेल का रिफाइंड तेल बनाया जा रहा हो। तेल इतिहास में ऐसा पहली बार है। कारोबारियों का कहना है कि सोयाबीन रिफाइंड सरसों रिफाइंड तेल की तुलना में 10 से 12 रुपए प्रति किलो सस्ता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार को अगर घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाना है तो आयात शुल्क घटाने के बजाय सरसों तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP पर ध्यान देना होगा, जो कि 160 से 162 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए हाल फिलहाल में। सूत्रों ने यह भी बताया कि सौदों का हिसाब 1 किलो में 1000 ग्राम के आधार पर किया जाता है, जबकि ग्राहकों को 1 लीटर में सिर्फ 912 ग्राम तेल मिलता है और उन्हें इस अनुपात के आधार पर लाभ नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।